मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना काल के शुरू होने से लेके आज तक सरकार के मुखिया या सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के द्वारा इस कोरोना काल में जिस तरह का प्रबंधन किया गया, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो एक बार भी उसका जिक्र नहीं करना चाहते। डर लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा राजस्थान के कोरोना काल की है, कहीं हमारी जबान से भी नहीं हो जाए। मैं बहुत ही सम्मानीय हमारे उप प्रतिपक्ष के नेता, बहुत ही सीनियर विधायक महोदय के विचार सुन रहा था। एक यशस्वी मुख्यमंत्री जिसने चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, धर्मगुरु हो, सामाजिक संस्थाएं हो, एक नीचे से छोटे कर्मचारी से लेके टॉप से टॉप कर्मचारी तक से जिससे 21-21 घंटे संवाद किया हो, उस मुख्यमंत्री की दो शब्दों में तारीफ करना भी इनके लिए मुनासिब नहीं है। कोरोना काल बहुत ही जिम्मेदारी से उसमें काम करने की आवश्यकता थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी के नेतृत्व में इस राजस्थान प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल की व्यवस्था करी गई, चाहे वह कोविड के सेंटर्स बनाने हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर बेड की व्यवस्था करनी हो, चाहे वहां पे दवाई की व्यवस्था हो, पीपीई किट की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, जिस भी चीज की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, लगातार उसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम इस राज्य सरकार ने किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। इस प्रदेश में जांच की, उस समय जब कोरोना काल शुरू हुआ, एक भी जांच करने की सुविधा यानी थी पुणे भेजा करते थे, आज लगभग 70,000 पर डे की जांच करने की ताकत आज इस राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इसका जिक्र आप नहीं करना चाहेंगे। आप कोरोना काल में जैसे जैसे जरूरत पड़ी, लगभग 2700 से ऊपर डॉक्टर्स की भर्ती, 11,000 से ज्यादा हमारे नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, ये किसके लिए थी? ये यहाँ की 7 करोड़ आवाम की, जनता की सुरक्षा के लिए, इस व्यवस्था को करने के लिए, इस काम को जल्दी से जल्दी करने का काम इस राज्य सरकार ने किया। कोरोना काल में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, ये संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। भीलवाड़ा मॉडल का आपको पता ही होगा, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। भीलवाड़ा की तरफ से आने वाले भी नहीं किया, वो भी नहीं करना चाहते इसका जिक्र कि भाई वो काम बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ को, वहाँ पे आपने जान माल की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रबंध किया, वो आप बाद में बोलना। पहले कम से कम जो कोरोना काल में आम जन को बचाने का काम किया है, जो इस कोरोना के अंदर जो कैजुअल्टी हजारों से लेकर लाखों तक हो सकती थी, उसको कंट्रोल करने का काम किया है, कम से कम दो शब्द उस पर भी बोल लेना।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई और निःशुल्क जांच योजना की बात कर रहे थे कि 12 साल पुरानी हो गई, लेकिन मैं माननीय सदस्य उसमें कितने करोड़ लोगों को लाभ मिला वो उनकी दूरदर्शिता थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। आप उसका भी जरा आंकड़ा निकाल करके देख लेंगे तो आपको जरा ठीक लगेगा। और आप आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना जो अभी 30 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका घोषणा करी है, आप उसमें 3,30,000 रुपए दिया करते थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख कर दिए हैं। और उस जो आपकी भामाशाह योजना थी उसमें जो कमी बेशी थी उसको भी हटा, उसके अंदर भी काफी सारे राइडर लगा करके, जिससे कि सही आदमी को सही इलाज मिले और सही जगह पैसा पहुंचे, इस व्यवस्था को करने के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। आपने जो योजना लागू करी उसमें बहुत सारी शिकायतें लगातार विभाग को और मंत्री जी के पास आई थी, तब जाकर के इस योजना का अमेंडमेंट किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का कि आपने इस योजना में, और आपको बताना चाहता हूं इसमें राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है बनिस्पत केंद्र सरकार के। अब हम नहीं बोला जा रहा, ये अपने अपने वाले को ज्यादा बोलते हैं, हमारे वाले को कम बोलेंगे, ये ध्यान रखना। नहीं मैं बोल रहा हूं, किसान की बात करते हैं। अभी मैं माननीय सदस्य की बात सुन रहा था, जो किसानों के लिए जो ये 3 बिल लाए गए केंद्र सरकार द्वारा, मैं माननीय सभी विपक्ष के साथी बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे कह भी पूछा था क्या इसमें से, या खै भी पूछा था? आपको पता था कि भाई ये आ रहा है? नहीं, हमारे को तो कैसे पता होगा, कल आना तो आपको था, हमारे को थोड़ी लाना था, लाना तो आपको था, हमारे को थोड़ी लाना था। हमारे को लाना होता तो हम खुला बताते, जनता के बीच में रखते, हम हमारे जो सांसद हैं उनके बीच में रखते, उनसे चर्चा कराते, उसके बाद में जो किसान के हित में होता वो बिल लेकर के हम संसद में पेश करते। नहीं, क्या कर रहे थे? ये देश का 50 साल में ऐसे ही खड़ा हो गया, ये बागड़ा नागल बांध कौन बना गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी वो प्रधानमंत्री थे जब पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल स्लोडाउन था, लेकिन हिंदुस्तान को उन्होंने बचा करके निकाल करके लेके गए। आप उस समय की बातें भूल गए जब आप एफडीआई का विरोध किया करते थे वहां लोकसभा में, आज उसे एफडीआई का समर्थन करने के लिए आप तैयार बैठे। 74% तो आपने एलआईसी में कर दिया, और अभी आपने बजट पेश किया उसमें आप उठा के देख लो कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी कंपनियां हैं वो बिकने जा रही हैं, उसमें भारत पेट्रोलियम भी है। अब ये कहां जाके टिकेगा ये देश, भगवान जाने। आज किसान आंदोलन करके बैठा है सड़कों पे, मेरा इंतजार तो चल रहा है, और मैं तो जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और जो जनता की बात है वही सदन में रखता हूं। आपको बताना चाहता हूं, आप यहां बैठे जिम्मेदार लोग, वो क्या भारत के नागरिक नहीं है? क्या उसकी समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? क्या उनके लिए आंसू आपके दिमाग में नहीं है जहां 200 के करीब आदमी वहां पे खत्म हो गए? एक इतना सी भी किसी के दिल में दर्द है अगर किसान के लिए वहां,
आप वहां महिलाओं की स्थिति देखिए, बच्चों की स्थिति देखिए और बुजुर्गों की स्थिति देखिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाइए, लेकिन वो जो किसान वहां रोड के ऊपर बैठा हुआ है ठंड के अंदर परेशानी में है, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से भी, आप अपने प्रधानमंत्री जी से बात करिए कि समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र करें और किसान की जो मांग है उसको मांग करके किसान को राहत पहुंचाने का काम करें। आज बात करने लगे अभी क्राइम की, माने मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिस में व्यवस्था करी है ना, आप एक क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड माने हमारे उपनेता बता रहे थे, आप वो जो क्राइम रिपोर्ट आती है नेशनल क्राइम रिपोर्ट उसको पूरा डिटेल से पढ़ना, उसमें एक लाइन और आती है कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के कारण कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। जो व्यवस्था आज मुख्यमंत्री जी ने यहां करी है ये उसके कारण ही है कि आम नागरिक को एक राहत पहुंचाने के लिए जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य किया ये उसके कारण ही है कि आज ये क्राइम रिपोर्ट आपको ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। बात कर रहे हैं विकास की, इस दो साल के समय में चाहे विद्यालय का काम हो, चाहे महाविद्यालय का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे पेयजल का काम हो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, इस किताब में जो आज प्रगति की रिपोर्ट लिखी है इसको एक बार भी इन्होंने पढ़ करके इसके अंदर नहीं पेश किया है। इन्होंने जितनी बात करी है आज वो इररिलेवेंट बातें और कुछ तथ्यों के साथ में जो चीजें इस बजट इस भाषण का जो प्रारूप है उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, सिर्फ इस सरकार की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अन्य चीजों के ऊपर बातें करके इसको डाइवर्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो विकास है जो जनता है वो सब देखती है जानती है। मैं कह सकता हूं आप अंदाज लगाइए, सबसे ज्यादा महाविद्यालय की घोषणा अगर करीब पिछले बजट में तो ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर महाविद्यालयों की घोषणा करी, स्कूलों क्रमोन्नत करी। आज जो शिक्षा में एक नवाचार किया कि आपके हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं दो भी है कहीं एक भी है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है वो आने वाले में समय में इस शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन विपक्ष के हमारे बड़े बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, सरकार पे कटाक्ष करने का उनका अधिकार है, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं एक समय वो भी इसी पद पे थे और एक बार ये कह दिया कि हर जगह पुलिस उपलब्ध नहीं हो सकती है, ये था या नहीं था? तो ये तो परिस्थिति सरकार की जो भूमिका है और सरकार के जो हमारे मुखिया हैं हमारे जो मंत्रीगण हैं सरकार की स्थिति पे भी बात करने लग गए, बात हो रही है अभिभाषण पे, बात चली गई कहीं और, जो मुद्दे हैं आम आदमी के वो तो भटक गए, उसके ऊपर तो कोई चर्चा है नहीं। क्या किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, नौजवान की बात करें, आज इस सरकार ने कितनी नौकरियां निकाल के रोजगार देने का काम किया है। आपने तो दो करोड़ योजना की घोषणा करी थी, वो कहाँ है बताओ ना? वो तो किसान के लिए कर्जा माफी की घोषणा है, वो कहाँ है? हमने तो घोषणा करी थी, आपने भी करी थी घोषणा, 2000 करोड़ रुपए आप दे गए बाकी हमारे जिम्मे छोड़ गए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें जनता सब समझती है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस दो साल के एक साल का जो कोरोना काल था उसके बावजूद भी पूरे राजस्थान में इस 7 करोड़ जनता को कहीं भी परेशान नहीं होने दिया,
और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया और इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना अपना रोल अपनाया। अभी आप बात कर रहे थे पारदर्शिता की, सहयोग की, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो पूरे कोरोना काल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंचायतवार खूब घुमा हूं, लेकिन आपके सांसद महोदय मात्र एक बार आके गए थे। आपके सांसद महोदय मेरे यहां एक बार ही आके गए थे। जनता सबकी है, जो चुनाव प्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे प्रधान है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, सब जनता उसकी है, तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। हमसे मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको जो सहयोग करना है वो करें, और इस कोरोना काल में जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जिन भामाशाहों ने पूरे